अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको अपने ग्राफिड रोजेस प्लांट दिखाने आया हूँ। इनमें से कुछ वो हैं जो मैंने आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ, और कुछ पिछले साल वाले हैं, और कुछ जो हैं वो मैं न्यू लाया था। तो अब मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ जो मैंने पहले परचेस करके आपको दिखाए थे। वो जो पाँच प्लांट थे उसमें से एक प्लांट तो ये है, ये देखें, इसकी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, इसकी न्यू न्यू शूटिंग निकल रही है। और ये देखिए, एक तो ये है और दूसरा ये है, इसने भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। ये देखिए, इसके अब येलो लीव्स ख़त्म हो गए हैं और इसने ग्रीन लीव्स स्टार्ट कर दी हैं। इसको नियर अबाउट आई थिंक मंथ होने वाला है। ये दूसरा है, ये वाइट वाला है, जो वाइट की तरह का शेड वाला था, कोई वो था, ये पुराना फूल है, ये नहीं गिरा था। अच्छा, एक ये है, ये वाला, ये देखें, ये भी अपनी शूटिंग स्टार्ट कर रहा है। कैसे हेल्दी हेल्दी से हैं अब, ये मुरझाए हुए नहीं हैं, जो पहले लटके हुए थे वैसे नहीं हैं अब ये। अब ये सेट हो चुकी हैं। अच्छा, ये जो है, ये पिछले साल वाला है। ये देखिए, इसकी फ्लावरिंग चेक करें आप, ये न्यू फ्लावर निकल रहा है। और ये देखिए, ये फ्लावर, ये वाला प्लांट है। अच्छा, ये जो पहले थे चार, ये एक, ये दो, ये तीन, और एक जो है वो, एक तो ये देखिए ना, यहाँ से पास जाता है, एक जो है वो सही नहीं था, उसकी ना नीचे से गाची थी नहीं बिल्कुल। ये जो सामने आपको दिख रहा हो शायद, ये वाला, ये शायद जल जाएगा, लेकिन अभी तक जला नहीं है, तो ये जल जाएगा। ये चौथा और पांचवा और दूसरी साइड पर पड़ा है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक हो गया। और ये जो है, ये पिछले साल वाला है, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। और अच्छा, ये था पिछले साल वाला था। और ये जो है, ये मैं इस साल परचेज करके लाया था। ये देखें, इसको काला तेला लगा हुआ है, ये भी पहले पहले मुरझा गया था, ये देखें, लेकिन अब ये सेट हो गया है, यहाँ तक जला है, लेकिन अब ये सेट हो जाएगा, बल्कि हो चुका है ये सेट। इसका ये देखिए, फ्लावर चेक करें, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और ये जो है, ये पिछले साल वाला है, इसे मिक्स हुआ पड़ा है, ये है ऑरेंज और येलो शेड का, और ये है, ये भी ऑरेंज येलो है, लेकिन ऑरेंज कम है और इसमें ऑरेंज ज़्यादा है, ये दो अलग अलग है, ये वाला और ये वाला, ये बहुत बड़ा है। ये पिछले साल वाला है, वो इस पर काला, ये जो ये है ना, इस पर काले तेले का टैग हुआ हुआ है, ये देखें, इसका मैं कुछ करता हूँ। और ये मेरे ये बजाजो, ये भी इस साल में लेके आया हूँ, इस पर भी काले तेले का टैग है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया है काला तेला है। फूल देखें आप, कितना ज़बरदस्त फूल, ये होता है असल बजाजो, इसे कहते हैं बजाजो। इसके पीछे से अलग शेड होता है, आगे से रेड होता है। और ना ये देखें, ये फल, इसमें मैं नीम ऑयल का स्प्रे करूँगा, या फिर कोई पेस्टिसाइड स्प्रे करूँगा, या फिर खाली पानी से वो कर दूँगा। ये बहुत बड़ा फूल होता है बजाजो का, ये आपको तकरीबन 300 का एक नाड़ मिलेगा, ये 200 से इससे कम का ये नहीं देते वो। ये बजाजो है, ये सबसे बड़ा। अच्छा, ये देखें, ये बेल वाला, इसे मजाजन बेल कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, इस पर कांटे नहीं होते, ये देखें, इस प्लांट पर कांटे नहीं होते, ये देखें, इस पर कहीं भी कांटा नहीं है। तो ये बेल है, ये है मजाजन बेल। ऐसे मेरे पास दो हैं, ये मेरे पास पिछले साल वाली है, एक ही साल वाली है, उसका बहुत सर बुरा है फिलहाल, इसके बहुत बड़े बड़े फूल हो जाते हैं, फूल नहीं पर ये बहुत ही अच्छी लगती है। ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, ऑरेंज जो वो शेड वाला, पिंक वाला भी, ये जो मैं आप लेके आया हूँ वो भी है, ये देखिए कितने सारे बर्ड हैं। इसमें से दो मिक्स हुए पड़े हैं, ये और ये वाला बर्ड पिछले साल वाले का है, और ये देखिए ना, ये जो इस साल वाले हैं ना, इनके फूल जल जाते हैं, जबकि जो पिछले साल में इनके फूल नहीं जलते। ये बजाजों का भी फिलहाल अच्छा हाल नहीं है। और ये है मेरे मिनी रोजेस, ये पिछले साल है वाले हैं। ऐसा मेरे पास बड़े में भी था, उसकी मैं कटिंग कर दी थी, उसकी भी मैं आपसे वीडियो शेयर की है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है। ये है मेरा लेमन प्लांट, इससे मैंने काफ़ी लेमन तोड़े भी हैं, ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है,
5 इंच का पॉट है, अपनी 4 इंच का पॉट है। ये देखिए मन लग रहा है, और भी होगा इसमें। एक तो ये है, इसमें एक तोड़ा भी था मैंने, एक ये देखिए बंद है। ये टिंडा सा है, इस पर बहुत सारे लगे हुए हैं लेमन, और ये मेरे बड़े वाले लेमन पे तो काफ़ी लेमन लग गया थे, मैं तोड़ भी दी और भी लग रहे हैं। तो लेमन की केयर के बारे में आपको बताऊंगा। ये देखिए ये मेरा है ऑरेंज कलर का, ये पिछले साल वाला है। ये देखिए इसमें बडिंग देखिए, हाँ ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। ये देखिए बडिंग स्टार्ट हो रही है, ये पिछले साल वाला है। इसको ना मैंने ना यहाँ से ना ग्राफ्टिंग करना है, नहीं यहाँ से ग्राफ्ट हुआ हुआ है, यहाँ तक इसकी ना नीचे से निकली हुई थी है नहीं, तो उन्हें यहाँ से काट दिया इसको मैंने, यहाँ ग्राफ्टिंग के लिए छोड़ा हुआ है। ये देखिए कितना बड़ा प्लांट है, ये भी है सारा इसी का, और ये भी इसी का पार्ट है, और वो जो पीछे जा रही है ये भी इसी का पार्ट है। अच्छा एक और ही पापा बड़ा है पिछले साल वाला, इसका फूल ख़त्म हो गया, वरना मैं आपको दिखाते हैं। बहुत प्यारा फूल है, रेड कलर का फूल है, डार्क रेड। ये भी पिछले साल वाला है, ये इस साल वाला है, ये वही ऑरेंज और ऑरेंज और कौन सा था येलो शेड वाला, ये इस साल वाला है, इस साल में परचेज करके लाया हूँ। ये मैं आपको बताता हूँ कौन सा है, ये है ये वाला, ये वाला फूल, ये वाला फूल मुझे बहुत बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। एक मुझे ये वाला फूल पसंद है, एक मुझे ये वाला फूल पसंद है, और एक मुझे ये वाला फूल पसंद है, और उसमें भी है वो अभी खिले नहीं है जो मैं नया लाया था। और ये बजाज भी मुझे बहुत पसंद है, ये वाला बजाज जो है ना ये भी खिल रहा है। चलिए अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मेरा पिछले साल वाला, ये मैंने आपको पहले दिखाया था जिसको फंगस लग गई थी, लेकिन अब ये अच्छे से खिल रहा है। इस पर फूल खिला था बड़ा प्यारा सा, लेकिन वो मुरझाने के करीब है, येलो कलर का। ये देखिए इसकी न्यू शूटिंग निकल रही है, ये छोटे से पॉट में, ये बड़े पॉट में नहीं लगाया, सारे इसी पॉट में, छोटे से टिड्डे से पॉट है। ये भी पिछले साल वाला, ये सबसे अच्छा मेरा ये फूल मुझे बहुत प्यारा लगता है, जब खिलेगा ना, खेल रहा था मैं, सोचा था उसका वीडियो बनाऊंगा लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो अभी ये बेचारा ख़त्म हो चुका है। जब न्यू न्यू खिलता है ना तो बहुत प्यारा लगता है, ये फूल अजीब तरह का कलर होता है, ये आप तो पिंकिश हुआ है ना, लेकिन जब स्टार्ट होता है ना उसका बहुत ही प्यारा कलर होता है। और ये वाला, ये वाइट फूल है जिसका कलर मुझे ज़रा नहीं पसंद, ये मेरे पास कैसे आया, ये ना मैं किसी फूल में ले आया था, इसके फूल बंद थे, मैं समझता था कि ये कोई और रंग का फूल है, वही ऑरेंज और पिंकिश कलर का फूल है, लेकिन ये इस कलर का निकल आया। ये भी पिछले साल वाला है, इस पर देखें बहुत फ्लावरिंग हो रही है, ये फ्लावर है, ये ख़त्म होने वाले फ्लावर हैं, ये अब न्यू खिल रहा है, यहाँ से भी एक था वो खिल गया, यहाँ भी एक खिला हुआ था वो मैं तोड़ दिया, यहाँ भी खिला हुआ था, इस पर फूल बहुत लगते हैं, और ये बहुत हेल्दी, यहाँ भी एक खिला हुआ था वो मैं तोड़ दिया, जैसे ही खिल जाते हैं तो मैं इनको तोड़ देता होता हूँ। ये देखिए इसको भी मैं तोड़ दूँगा, ऐसे तोड़ के ना फेंक दिया करें। ये अगर आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा ये इस साल वाला है, लेकिन ये पिछले साल वाला है, इसका भी वही ऑरेंज और येलो कलर का डबल शेड वाला फूल है। इसको क्या हुआ था, इसको फंगस लग गई थी, यहाँ से इसकी दो काफ़ी सारी टहनियाँ, तो ये टहनी ना तकरीबन 5-6 फुट लंबी थी, बहुत लंबी जा रही थी, इसके ऊपर फूल लगा हुआ था एक, इसकी मैंने प्रूनिंग नहीं की, मेरे से गलती हुई थी, तो इसकी यहाँ वाली टहनी को फंगस लग गया था, यहाँ पे एक टहनी उसको फंगस लग गया था, यहाँ पे तो वो थी ना, इन दो टहनियों को फंगस लग गया था, फिर इसने यहाँ से शूटिंग स्टार्ट की थी और ये काफ़ी ऊपर चली गई थी, 5-6 फुट ऊपर चली गई थी, जैसे ये बेल हो, लेकिन ये बेल नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ से काट काट दिया, आप देखें उसके पत्ते शायद तोड़ दिए थे, एक यहाँ से निकल दिए, एक यहाँ से निकल दिए, यहाँ से भी निकल दिए, और यहाँ से देखिए तो इनकी ये न्यू न्यू शूटिंग निकल रही है। अच्छा वो जो पीछे मैंने आपको 4 दिखाए थे, जो 5वां था वो 5वां ये वाला है, इसकी भी न्यू न्यू शूटिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए वो जो मैं 5 लेके आया था आपको पहले शेयर किया, तो उसमें से 5वां ये वाला, ये मैंने यहाँ रख दिया, वहाँ जगह नहीं थी मेरे पास। और ये है पड़ा, ये भी वही ऑरेंज और पिंकी का ये वाला कलर है, मुझे बहुत पसंद है, उसमें बहुत सारे लिए हैं, इस साल भी मैंने लेके आया, ये इस साल वाला है, लेकिन सारे पत्ते झाड़ दिए और अब ये न्यू शूटिंग स्टार्ट कर रहा है। ये सब मैंने ये किस तरह के गमलों में उगाए हुए हैं, आप भी कोशिश किया करें कि ऐसे गमलों में उगाया करें जो एक तरह के हों, तो ऐसे अच्छे लगते हैं ज़रा। और ये जो है
ये पिंक कलर का फ्लावर है, भरा हुआ फ्लावर होता है, ये भी पिछले साल वाला है। और ये और तरह का पिंक है, ये इस साल में लाया था। ये जो इस साल वाले हैं इनके फ्लावर सही तरह खिलते नहीं हैं, ये पहले पत्ते झाड़ते हैं फिर इनके फ्लावर खिलते हैं। तो और ये इसके बारे में तो आप जानते हैं, इसका मैंने आजकल हाल बुरा किया हुआ, इसको मैंने उसमें रखा, इसको फंगस लग जाएगी जैसे मैंने रखा हुआ है इसे। इस पर भी अब फूल निकल रहे हैं, ये देखें काफ़ी सारे थे, ये भी लग रहे हैं। इसके छोटे छोटे ग्रीन कलर के फूल होते हैं, ये देखें। तो आई थिंक मैं आपको सारे अपने रोज़ दिखा चुका हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रोज़ देख के खुशी हुई होगी, मैं ये रोज़ देख के खुशी हुई होगी। ये देखिए मैक्सिमम ना मेरे पास ये वाले हैं, ये मुझे बहुत अच्छा, ये बहुत प्यारा फ्लावर है, जब खिलेगा तो फिर आपको दिखाऊंगा। ये भी बहुत प्यारा फ्लावर है, लेकिन ये इस साल वाला है, ये नेक्स्ट साल बड़े अच्छे से खिलेगा। उसको मैं जो काला तेला लगा हुआ है इसका भी मैं कोई हल करूँगा। ये देखिए सारे छोटे छोटे पॉट में है, बड़े पॉट में मेरे पास जगह नहीं है, तो इस वजह से मैंने ये बड़े पॉट में नहीं रखे। इनकी मैं केयर कैसे करता हूँ, इनकी केयर मैं ये करता हूँ ये ना मैं इनमें ना एन पी के डाल देता हूँ। ये देखिए एन पी के डली, बस एन पी के डालता हूँ, पानी इतना देता हूँ कि मॉइस्चराइज सोगी ना हो। अगर मेरे पास पीट मॉस होती तो मैं इस आपको पीट मॉस में ग्रो करता है, क्योंकि पीट मॉस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ये फूलों से बाहर पास जाते हैं। पिछले साल ना मैंने काफ़ी सारे पीट मॉस में डाले थे, तो उन पर इतनी फ्लावरिंग हुई थी। ये देखिए ये पीट मॉस में ही लगा हुआ है ये, और इस पर आप देख सकते हैं कितनी ग्रोथ है इसकी, बडिंग स्टार्ट हो रही है, ये सारी इसी की ग्रोथ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पीट मॉस में ही ग्रो करें अपने प्लांट। ये जाली मैंने किसने लगाई हुई है, ये जाली मैंने मच्छर से के लिए लगाई हुई है, परिंदों के लिए नहीं लगाई हुई, मच्छर ताकि घर में ना आए, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लांट रखे हुए हैं, इसके मच्छर से बचाने के लिए मैंने जाली रखी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये सब रोज़ दे के खुशी हुई होगी। नियर अबाउट आई थिंक सो के 15 से 20 रोज़ हैं मेरे पास क्राफ्टेड, ये सब मैंने 50-50 के लिए रे सवाई इसके, ये पिछले साल वाला है, इसकी आई थिंक मैंने कटिंग लगाई थी, कि वो जो बड़े हैं वो मैंने 400 के लिए थे मिनी रोजेस। और ये थोड़ा महंगा है, ये जो बजाजो है ये महंगा मिलेगा आपको, बाकी सारे 50-50 रुपीज के। चलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ओ हाँ, ये जो गमला है ये इस तरह का गमला मिलता है 20 रुपीज़ का, और इस तरह का ये है इस तरह का मिलता है 40 रुपीज़ का। ये दोनों एक तरह के नहीं है, ये प्यारा गमला होता है, ये प्यारा नहीं होता। तो ये 40 का है, ये 20 का है। इसके देखिए आप कोने गोल हैं, इसके कोने गोल नहीं हैं, और ये 6-6 इंचज़ के हैं आई थिंक, सो छोटे छोटे से हैं। तो आप इन्हीं में ग्रो करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसको धूप में रखें, मुझे फ़िलहाल धूप नहीं आ रही, जैसे धूप आएगी तो ये बहुत ही बाहर में बहुत ही अच्छे से खिलेंगे। चलें, अगर आपको ये देख के खुशी हुई हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, अगर आपको देख के खुशी हुई, अगर नहीं हुई तो आप खुशी तो आप शेयर ना करें। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक प्लेस करें, अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक प्लेस करें। चलें, आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज।